खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी इंडिया टीवी। बड़ी खबर दिखाएंगे जहां बेला थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बहादुरपुर से एक बड़ी खबर है। जनपद औरैया में जहां अमन त्रिवेदी की जमीन पर हो रहा है जबरन कब्जा और ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा अवैध निर्माण कार्य, जिस पर 60 वर्षों से अधिक समय से काबिज है वो, और जिसके संबंध में अमन त्रिवेदी के पास रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध है। उक्त जगह पर प्रार्थी का कब्जा, दखल व निस्तार है, कारखाना लगा है, तमाम पेड़ परवरिश किए मौजूद हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे दर्शकों, लेकिन नहीं रुकूंगा। तो अमन त्रिवेदी की रोज मार्जा की उठक बैठक और रिहायश है तथा प्रार्थी जगह पर बतौर गोंडा इस्तेमाल करता चला आ रहा है। तो विपक्षी विजय चौहान पुत्र स्वर्गीय शिषपाल सिंह चौहान प्रार्थी से चुनावी व जातीय रंजिश रखते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी वर्तमान प्रधान भी है, इसीलिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए प्रार्थी की जगह पर जबरन कब्जा व निर्माण पर आमादा है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना न्यायालय में बेहद जरूरी है। आप इसलिए किसी को मारिए मत, शांति से विकास पर ध्यान दीजिए। आपकी सरकार है, सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम कानून, हम कानून की बात कर रहे हैं ना, हमारी जो भी बातें कंडीशनल है। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे, आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे यहाँ भारत के अंदर मैं तो आप चाहता हूँ सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि आप इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बसरते अगला पक्ष शांति से रहेगा, मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने में। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। बंदूक के दम पर, मार के दम पर, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। और अगर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे। आपको भी तो कोई जवाब दे सकता है? दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हम उसका जवाब देते हैं। जो जैसा जवाब देता है उसको उसी जवाब मिलता है। मैं उम्मीद करूं कि जैसा आप जवाब दे रहे हैं ऐसा आपको भी कोई जवाब देने वाला मिले। जवाब देने वाले जवाब दे रहे हैं, हम उसका प्रत्युत्तर उसी रूप में दे रहे हैं।